हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सूट पेंटिंग। इस पेंटिंग को आप सिर्फ एक बोतल का ढक्कन और आलू से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, ये बहुत ही आसान है। आप अपने ड्रेस के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी गोल्डन चिकन पेंटिंग को पसंद है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आलू के ऊपर स्केच पेन से आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। ऐसे ये आप अपने पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी बना सकते हैं। ये अब इसको हमें ध्यान से कट कर लेना है। ध्यान रहे आपके हाथ पे ना लग जाए और डिज़ाइन के अंदर भी कुछ भी कट ना हो जाए, नहीं तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं होगी हमारी। ये हमारी ब्लॉक तैयार है। अब हमें जहाँ डिज़ाइन करना है, पेंट करना है, उसके ऊपर हमें कोई भी छोटा बोतल या कोई भी ढक्कन से आप ऐसे राउंड हमें बनानी है शेप। अब ये भी आप अपने पसंद के अनुसार ये छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अगर जितना डिज़ाइन आपको अगर बड़ी पसंद है तो ये इससे बड़ा कोई ढक्कन यूज़ कर सकते हैं आप, और छोटी चाहिए तो इससे छोटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें यूज़ करना है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर। यहाँ मैं व्हाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें सर्कल के एकदम आप देख सकते हैं साइड पे हमें कलर को अच्छे से लगा के फिर हमें सेंटर पे कलर लगानी है, कलर बाहर ना हो जाए, ध्यान रहे। मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से भी ये कर सकते हैं। आप अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इसके बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। आप ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर आप चूज़ कीजिए। मैं यहाँ कॉटन की, ये मेरी ड्रेस है इसके लिए, इसलिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई भी रेयन सिल्क या कोई भी आप सिल्क के ड्रेस के ऊपर अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो एक्रेलिक कलर से मत कीजिए, एक्रेलिक कलर से नहीं होगा। आप इसके लिए पार्ल मेटेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, वो भी फेविक्रिल की है और वो भी मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो कलर बहुत शाइनी है, थोड़ी ग्लिटरी शाइन है उसकी। अब हमें यूज़ करना है पिंक एक्रेलिक कलर। इसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 0 नंबर की, ये साइड पे आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से मार्किंग नहीं की, आप चाहे तो मार्क करके कर सकते हैं, तो फिर सारे एक जैसे ही होगी। आफ्टर पेंटिंग ये कलर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारे पेंटिंग मैं अपने खुद के ड्रेस के ऊपर करती हूँ और मैंने बहुत बार वॉश भी करती हूँ, कुछ नहीं होता है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है ड्रेस के ऊपर, जैसे ध्यान देना है मतलब आपको कभी भी आप मशीन वॉश मत कीजिए, कभी भी नहीं, आप नॉर्मल हैंड वॉश करें ड्रेस को। यहाँ जगह बहुत ही कम है इसलिए यहाँ छोटी सी बनाऊंगी। और ये पेंटिंग करने के बाद हमें 24 आवर्स के लिए इस ड्रेस को ऐसे ही रखना होगा, इसको कुछ मत कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 आवर्स के बाद इसके बैक पे आपको एक बार प्रेस कर लेना है। ये कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है पेंटिंग करने के बाद, 1 घंटा बाद ही ये अंदर ही ये ड्राई हो जाती है अच्छे से। फिर भी कलर करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कलर हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि ऐसे होता है कलर करने के टाइम, मेरे हाथ पे भी बहुत कलर्स लगते हैं। उसके क्या होता है, उसके बाद फिर ड्रेस के ऊपर कलर लग जाती है। अब हमें यूज़ करना है गोल्डन येलो कलर। ऐसे ब्लॉक को ऊपर, ब्लॉक के ऊपर कलर लगा के हमें ऐसे हमें प्रेस करना है। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, फिर ब्लॉक को उठा लीजिए, फिर कलर लगाइए ब्लॉक के ऊपर, फिर प्रेस कीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, फिर उठा लीजिए। यहाँ भी
ये बाकी की मैं बाद में कंप्लीट करूंगी, क्योंकि वीडियो में इतना सारा दिखाऊंगी तो आप सब बोर हो जाओगे इसलिए। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তো আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কোনো ব্যাপার না, যেটা জানতে চাও আমাকে বলতে পারো। আর আমার খুব ভালো লাগে তোমরা যখন আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করো। আর মেরি এক ব্লগ কি চ্যানেল হে জো কি একদম নই হে, মে আপকো রিকোয়েস্ট করুঙ্গি আপ উসকো একবার জরুর দেখিয়ে। है ना, ये बहुत ही आसान तरीका, आप अपने ड्रेस के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको इस डिज़ाइन कैसी लगी। आई होप इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।